दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर फुकरा इंसान मनीषा रानी और एल्विश यादव के सामने मनीषा रानी के पिता ने घर के सभी कंटेस्टेंट की पोल पट्टियां खोलकर रख डाली है। जी हां दोस्तों, उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि घर के जो बाकी कंटेस्टेंट है वो इन तीनों की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अंकल ने ये बात घर वालों को बता दी है और कह रहे हैं कि लोग तुम्हारी दोस्ती से जलते हैं, सब लोग तुम्हें एक दूसरे से तोड़ना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में मेकर्स की भी साजिश बता दी है कि तुम लोग जो कर रहे हो उस चीज़ से मेकर्स को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि तुम लोग काफ़ी पॉपुलर हो चुके हो, सबकी जगह तुमने घेर ली है, टॉप थ्री की जगह तुम तीनों ने घेर रखी है। ये सारे खुलासे होने के बाद यहाँ पर फुकरा इंसान को काफ़ी हैरानी होती है। हालांकि फुकरा इंसान ने कहा कि अंकल चिंता मत कीजिए, हमें कोई नहीं तोड़ पाएगा। और यहाँ पर फुकरा इंसान की तारीफ करते हुए अंकल ने कहा कि ये तो बेटा अभिषेक तुम हो जो इन तीनों को साथ में लेकर चल रहे हो, तुमने सबको साथ में लेकर चलना सीखा है, इस वजह से बचे हुए हो, वरना तो कब के ये घर वाले मिलकर तुम्हारी दोस्ती को तोड़ देते। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मनीषा रानी ने पूछा कि क्या हमारे पोस्टर वोस्टर छपवाए हो कि नहीं छपवाए हो, रैली वैली निकलवाए कि नहीं निकलवाए हमारे लिए। जिसके बाद यहाँ पर अंकल ने बताया कि तुम चिंता मत करो, हमने तुम्हारे पूरे बिहार में 75 पोस्टर छपवा दिए हैं बड़े बड़े। और ये सुनकर मनीषा रानी और फुकरा इंसान काफ़ी खुश होते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर अंकल ने बताया कि एक दो दिन में वो मनीषा रानी के लिए बड़ी रैली भी निकालने वाले हैं अपने गाँव में। ये सुनकर मनीषा रानी को काफ़ी खुशी महसूस होती है। कुल मिलाकर दोस्तों अंकल जो खुलासे कर रहे हैं वो वाकई काफ़ी शॉकिंग है। हालांकि डर ये भी है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस इन खुलासों से कोई ठोस कदम ना उठा ले, क्योंकि घर के बाहर की बातें कर रहे हैं अंकल जो कि घर के अंदर अलाउड नहीं होता है। फिलहाल दोस्तों कैसे लग रही है अंकल की बातचीत, आपको हमें अपनी राय कमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।